क्योंकि मैं उसे पहले मैं कुछ बताऊंगा प्लीज। हाँ आपको प्रश्न में पता है उसका पहले मैं थोड़ा बताऊंगा। ऐसी क्यों दीपरालय मांगता है कुछ इसको मैं पहले बताऊंगा, क्योंकि ये सिर्फ त्रिपुरा का जनता का समस्या है। 1949 15 अक्टूबर उस दिन में त्रिपुरा का जो महारानी था भारत सरकार के साथ एग्रीमेंट किया था, उसी दिन उसी पहले में त्रिपुरा का जनजाति लोग 99% था। आज देखा है 2018 का वो त्रिपुरा का जनजाति का पार्सेंटेज कितना आया है 26%। तो ये त्रिपुरा का जनजाति का समस्या नहीं, हम लोग तो इंडिया गवर्नमेंट के साथ जुड़ा है, ये इंडिया गवर्नमेंट भारत सरकार देखना होगा। इसलिए आईपीएफटी 2009 से 2018 तक आंदोलन करके आया है। लास्ट चुनाव में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने वादा दिया कि आईपीएफटी जो मांग रहा है उसको देखने के लिए हाई पावर मॉडलिटी कमिटी बनाया जाएगा। ये भी होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के साथ अपॉइंटमेंट देके आईपीएफटी का प्रेसिडेंट और आईपीएफटी का जो लीडर लोग उन लोग के साथ मिला के अपॉइंटमेंट देके वो कमिटमेंट दिया है, क्योंकि आईपीएफटी स्टेट बीजेपी का कोई प्रेसिडेंट कोई सेक्रेटरी कोई लीडर के साथ बात करके आईपीएफटी बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं किया। आईपीएफटी गठबंधन किया है ये सेंट्रल मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर के साथ बात करके और नेडा का जो चेयरमैन है उन लोगों के साथ बात करके आईपीएफटी ने बीजेपी के साथ गठबंधन करके ये लास्ट चुनाव में सीपीएम 25 साल राज किया था त्रिपुरा में। वो 25 साल राज करने के बाद त्रिपुरा का जनजाति का हाल क्या हुआ, इसलिए हम लोग भी यही चाहता था कि त्रिपुरा का सीपीएम को हटाने से त्रिपुरा का जनजाति के लिए अच्छा होगा और त्रिपुरालैंड जो डिमांड है वो त्रिपुरालैंड डिमांड को त्रिपुरालैंड मांग को देखने के लिए हाई पावर मॉडलिटी अप टू पार्लियामेंट्री कमिटी पार्लियामेंट तक ये कमिटी बनाया जाएगा और ये कमिटी का तरफ से इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पेश होगा पार्लियामेंट में, ये कमिटमेंट दिया है। और इलेक्शन का जो चुनाव का पहले ये कमिटी नहीं बनाया क्योंकि टाइम नहीं था इलेक्शन का कैंपेनिंग में, तो अभी इलेक्शन का बाद में ये कमिटी भी कंप्लीट हो जाएगा, हम लोग भी यही वादा है। और आशा करता हूँ कि स्टेट का आईपीएफटी और बीजेपी गठबंधन करके जो अभी नया सरकार बनाया है ये नया सरकार का तरफ से भी हमारा जो मांग रहा है जो मांग है वो मांग को केंद्र सरकार के पास आवेदन करने के लिए यही हम लोग का भी वादा है। और आईपीएफटी का 9 सीट मिला था, 9 सीट में से 8 सीट जीता है, 8 सीट एमएलए हुआ है, 8 कैंडिडेट 8 एमएलए से 2 एमएलए को अभी कैबिनेट में भेजा है, वो कैबिनेट मिनिस्टर बना है, उन लोग की तरफ से भी विधानसभा में भी त्रिपुरालैंड के बारे में डिस्कशन होगा यही है।